थैंक यू बिरजू। लीजिए मैडम, आपके पतिदेव ने आज 2 घंटे लगाकर गरम गरम खाना तैयार किया है, आपकी पसंद का खाना। कृपया करके आप अपनी फ्रेंड से कह दें कि वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। तू बहुत लकी है मालिनी कि तुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो कोई काम वाम नहीं करता, बस दिन भर घर पर बैठकर तेरी सेवा करता रहता है। कश्मीरी पुलाव, दाल मखनी, मसालेदार शिमला मिर्च, मसालेदार छोले, पालक पनीर और भिंडी, भिंडी आलू, लाजवाब, मजेदार। प्लीज लेडीज वेलकम, चलें। मुझे कुछ खास भूख नहीं लग रही। मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने जब जब खाना बनाया है तब तब तुम्हारी भूख को ना जाने क्या हो जाता। हमें एक्चुअली थोड़ी प्यास लगी थी। बिरजू पानी पिला दो। जी मैम साहब। अरे पानी क्यों, जूस पीते हैं? एप्पल जूस पियेंगे। क्विक लीजिए सर। क्यों लीजिए एप्पल जूस। अंजलि जी पहले आप। इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने आपसे कहा ना इतनी जल्दी क्या है। अच्छा ये ग्लास मेरे लिए और ये ग्लास मेरी प्यारी बीवी के। मैं खाना ढक के रख देता हूँ। मजा आ गया। That was nice and cool. है ना मालिनी? या। अब तो खाना खा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मालिनी, क्या हुआ? क्या हुआ मालिनी? तुम ठीक तो हो? मालिनी? मालिनी, what happened? क्या हुआ मालिनी? जरा पानी लाओ please. मालिनी? मालिनी क्या हुआ तुम्हें? मालिनी क्या हुआ? मालिनी? क्या हुआ मत? डॉक्टर को बुलाओ please. मालिनी? मालिनी? मालिनी, मालिनी, प्लीज, मालिनी, मालिनी, मालिनी। मगर सर ये खून है। वो कह रहा है कि एक हार्ट अटैक है, मगर ये खून है, खून। आपको क्यों लग रहा है कि ये एक खून है? क्योंकि सर मालिनी एकदम ठीक ठाक थी और जूस पीते ही वो मर गई। मतलब जूस में कुछ मिलाया हुआ था? हाँ। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी आंखों के सामने सामने उसने अपनी पत्नी को जहर दे दिया? हाँ। मगर वो जूस आपने भी तो पिया था? हाँ। और मालिनी के हस्बैंड ने भी वही जूस पिया? हाँ। पर आप दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। मालिनी की क्यों मौत हुई? ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर उसे अपनी पत्नी को जहर देना ही था तो चुपके से दे देता। आपके सामने ही क्यों दिया? ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा वो उसे मारेगा ही क्यों? सर मालिनी एक अमीर घर की लड़की थी और वो इस एक्टर के प्यार में पागल हो गई। वो अमिताभ बच्चन बनने के सपने देख रहा है, मगर उसे टीवी सीरियल तक में कोई काम नहीं मिलता। दिन भर घर में बैठा रहता है और इंतजार कर रहा है कि कब फिर शोले बनेगी और कब उसे बुलाया जाएगा। देखिए आजकल बड़े शहरों में ऐसा होता है, कभी हस्बैंड काम करता है, कभी वाइफ काम करती है। मगर सर मालिनी ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि जल्दी से कोई काम ढूंढो और अपना खर्चा खुद चलाओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो। तो बात यहाँ तक आ पहुंची? हाँ सर। और अगर मालिनी उसे घर से बाहर निकाल देती तो वो जाता कहाँ? कहीं आप जानबूझ के तो उसके पति को नहीं फंसा रही? प्लीज सर, आप बाद में चाहे जो सजा मुझे दीजिए, मगर इस वक्त मेरे साथ चलिए, क्योंकि वो लोग मालिनी की लाश को शमशान लेकर जा रहे हैं और एक बार बॉडी जल जाएगी तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। ठहरिए, ठहरिए, रुक जाइए, रोकिए ये सब। क्या बात है? हमें केदार से बात करनी है, हम लोग सीआईडी से। जी मैं केदार हूं। हमें किसी ने बताया कि आपकी पत्नी का खून हुआ है। खून? किसने किया? आप। मैंने मालिनी, मैंने मेरी पत्नी का खून? किसने कहा आपसे? वो आप ही की जान पहचान की है, वो आई है हमारे साथ। आइए।
अंजलि तुम? हाँ। तुमने इन सब से कहा कि मैंने मालिनी का खून किया? हाँ। अंजलि इतने सालों से तुम हमारे घर आती रही हो, इस बात का तुमने कुछ लिहाज नहीं किया। तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे? मालिनी तुम्हारी दोस्त थी तो वो मेरी पत्नी थी, पत्नी। देखा आप लोगों ने क्या किया है? मालिनी को जब हार्ट अटैक आया तब ये वहां मौजूद थी, इसी ने डॉक्टर को बुलाया था। बुलाया था कि नहीं? डॉक्टर ने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। तो इसमें मेरा कसूर है? तुमने ही बुलवाया था ना उसे। अगर तुम्हें शक था तो वहीं पे क्यों नहीं बोला? मुझे बदनाम करने में तुम्हारी जरूर कोई चाल है। अगर मालिनी के साथ तुम्हारी दुश्मनी थी तो मुझ पर क्यों उतार रही हो? चलिए बॉडी उठाइए। देखिए सर, मालिनी के मामा के भी आने का इंतजार नहीं कर रहा है ये। प्लीज और कुछ कीजिए, इन लोगों को रोकिए। ये डॉक्टर वाली बात सच है? तुमने बुलाया था उसे? हाँ, मगर शायद उस डॉक्टर से कोई गलती हुई हो। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज सर। सर हम लोग फंस जाएंगे, अगर कुछ नहीं निकला तो बहुत बदनामी होगी। इन लोगों को रोकिए। क्या करें सर? ठीक है, रोक लो, देखा जाएगा। एक मिनट रुकिए। राम नाम। एक मिनट रुकिए। राम नाम। रुकिए रुकिए, नीचे रखो बॉडी। बॉडी नीचे रखिए। इधर किनारे रहो। आप सामने से हट जाइए प्लीज। चुपचाप बॉडी नीचे रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो, ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इस तरह आप हमें रोक नहीं सकते। नीचे रखो बॉडी। नहीं रखेंगे। बॉडी रखो नीचे। नहीं रखेंगे। देखो बॉडी नीचे रखो। नहीं रखेंगे। नहीं आपको रखना पड़ेगा। मारेगा दया। मालूम है क्या है? कानून है कानून, समझा? पत्ता नीचे फेंक, फेंक नीचे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि मालिनी को जहर दिया गया है। मतलब अंजलि का शक सही था, मालिनी जहर से ही मरी है। जहर कौन सा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट पूरे नहीं हुए, मगर जहर है। अगर जहर है तो दूसरे डॉक्टर ने केदार को डेथ सर्टिफिकेट कैसे दिया? बस अगर आप लड़की की बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो बाहर कहीं भी जहर के निशान नहीं, ना तो होंठ नीले हुए हैं, ना ही नाखून नीले हुए। तो उस डॉक्टर को लगा होगा कि शायद हार्ट अटैक ही हुआ है। डॉक्टर साहब, मालिनी जहर से ही मरी है ना? 100% जहर से ही मरी। अच्छा अंजलि, ये कुछ ऐसा हुआ है ना कि तुम तीनों ने जूस पिया और मालिनी मर गई, am I right? जी। मतलब मालिनी के ग्लास में जहर था और आप लोगों के ग्लास में नहीं। सर, शायद ग्लास में निशान लगाया हुआ होगा, ये जानने के लिए कि जहर किस ग्लास में है। अच्छा, ये जूस किचन में से लाया कौन था? केदार। केदार? अच्छा, वो जब जूस लेकर आया तो सबसे पहले किसके पास गया? वो पहले मेरे पास आया था। तो फिर वो जहर भरा ग्लास तुमने क्यों नहीं उठा लिया? क्या उसने तुमसे कहा था कि ये वाला ग्लास उठाओ या ये वाला ग्लास ले लो? कुछ याद नहीं है ठीक से। करो करो, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि मालिनी तक जहर पहुंचा कैसे। सोचो जरा सोचो। पहले उसने ट्रे मेरी तरफ की। अंजलि जी, पहले आप। इतनी जल्दी क्या? अच्छा लीजिए। नो लीजिए, फाइनली ये आपका ग्लास। तो मैंने वही ग्लास उठा लिया जो उसने मेरी तरफ किया। समझे? फिर दूसरा दूसरा ग्लास? उसने ग्लास टेबल पर रख दिया। तो ट्रे में एक ही ग्लास बचा था। मतलब सर, मालिनी की मौत निश्चित थी। अच्छा, घर में और कौन कौन है? बस एक नौकर है। तो नौकर जूस लेकर क्यों नहीं आया? सर, वो भी इसमें मिला हुआ है। वो 3 बॉटल्स किधर है जिसमें से जूस पिया है? साहब, वो बोतलें तो मैंने फेंक दी। फेंक दी? वो जूस पीकर तुम्हारी मेम साहब मर गई और तुमने वो बॉटल्स फेंक दिए? साहब, मुझे क्या पता था कि वो बोतलें रखनी चाहिए थी। तुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि तू भी इसमें मिला हुआ है। मैडम, आप भी तो तब यहीं पर थी, तब तो आपने मुझे नहीं कहा कि बोतलें मत फेंको। तो बाद में आप पुलिस के पास चली गई साहब को फंसाने के लिए। सर, इसमें एक बॉटल है, सील्ड है। चार थी साहब, चारों सील्ड थी, एक बची है। कमाल हो गया बॉस, जिस चीज को देखो उसी में जहर। मालिनी की बॉडी में जहर, ये जूस की बॉटल भेजी
इसमें भी जहर। इस बोतल में से कोई जूस पी लेता वो भी मर जाता। या तो केदार मरता सर, या फिर अंजलि। और केदार जी तो मर नहीं सकते थे क्योंकि जूस तो यही लेके आए थे ना। मतलब अंजलि बाल बाल बच गई। मगर जहर बोतल के अंदर गया कैसे? बोतल तो सील थी। देखो केदार, अब तो काफी बातें खुलकर सामने आई गई है, तो अब ये भी बता दो कि तुमने बोतल के अंदर जहर पहुंचाया कैसे? सर मैं खुद हैरान हूं कि दो बोतल में जहर है और दो बोतल में नहीं। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? हैरान तो हम लोगों को कर दिया आपने। अगर हमने आपकी पत्नी की लाश जलने से नहीं रोकी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपकी पत्नी जहर खाने से मरी है। और अगर वो पता नहीं चलता तो हम आपके घर नहीं जाते, और अगर घर नहीं जाते तो हमें ये बॉटल नहीं मिलती जहर से भरी हुई। समझा? मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में जूस रखा हुआ है सर। जूस तो इसने मंगवाया था सर। इसने मंगवाई थी। तुम्हें अचानक ये वाला एप्पल जूस घर में मंगवाने का सपना कहाँ से आया? साहब मुझे कहाँ से सपना आएगा साहब, मेरे सब सपने तो इनके हाथ में। इन्होंने ही कहा था जूस मंगवा लेना। मैंने कहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो कम से कम इतना तो बता दो कि ये बॉटल्स तुमने कहां से मंगवाई थी। कहां से मंगवाई थी? एमडी स्टोर से साहब। केदार के यहाँ एफजू की बॉटल्स आपके यहाँ से भेजी गई थी ना? जी हाँ। उनमें से दो बॉटल्स में जहर निकला है। जहर? जी हाँ। और वो शायद यहाँ मिलाया गया, यहीं एमडी स्टोर में। सब सब ऐसा बोली सब, मेरा स्टोर बंद हो जाएगा। और फिर हम जहर क्यों मिलाने लगे साहब? जितनी बॉटल्स यहाँ आती है वो फैक्ट्री से सील बंद होकर आती है साहब। अच्छा, फैक्ट्री से जब सामान आता है तब आप कहाँ रखते हैं? अब कुछ तो हम लोग अपने स्टोर रूम में रखते हैं, कुछ बाहर रखते हैं। बाहर? जी। चलो दिखाइए। देखिए, आइए आइए साहब, ये देखिए साहब, कुछ बॉटल्स यहाँ रखी है। अब यहाँ कोई कुछ कैसे कर सकता है साहब? जब यहाँ ये बॉटल्स खत्म हो जाते हैं जी, तो आप स्टोर रूम से लाते हैं ना? जी हाँ सर। जरा दिखाइए। आइए इस तरफ आइए सर। ये देखिए सर, यहाँ रखिए। सर शायद यही किसी ने बॉटल खोल के जहर मिला के उस बॉटल को फिर से सील कर दिया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग एडल्ट्रेशन नहीं करते सर। एडल्ट्रेशन कहीं पे भी हो सकती है, सब जगह मिलावट ही मिलावट है। यही हुआ है? हाँ सर। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हो चुका है, समझे? चलो यहाँ जितनी भी एफजू की बॉटल्स है ये सब की सब हम अपनी कस्टडी में लेते हैं जी। हम देखेंगे कहीं इनमें भी जहर तो मिला नहीं है। नहीं जहर? इन सारी की सारी बॉटल्स में जहर नहीं है, सिर्फ चार में है। मतलब किसी में है किसी में नहीं है। जिस किसी ने भी जहर मिलाया है ना, उसने जहर ऐसे ही मिला दिया बिना सोचे समझे, एट रैंडम। पूरे के पूरे जूस में जहर नहीं मिलाया। इससे पहले कि कुछ और लोग मरे, इस जूस बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को बुलाओ। आइए। मैं रमणिक। आप तो समझ ही गए होंगे हमने आपको यहां क्यों बुलाया है। हाँ, पढ़ा मैंने आज पेपर में। देखिए, पेपर में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मालिनी आपका बनाया हुआ जूस पीने के बाद मर गई। लेकिन ये बात आपको मालूम नहीं कि और भी बॉटल्स में जहर मिला है। और बॉटल्स में से भी मिला है? जी हाँ, कम से कम 10-15 बॉटल्स में मिला है। देखिए समाजी, प्लीज। मैं बर्बाद हो गया साहब, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से ये तो एक सफेद रुमाल है।
प्लेन व्हाइट हैंडकरचीफ, इसका उस जहर से क्या मतलब हो सकता है? अगर अगर ये रुमाल मैं अपने फैक्ट्री के गेट पे लगा दूं तो बॉटल में जहर आना बंद हो जाएगा। साफ साफ बात करो, जल्दी जल्दी करो, इस बीच में कहीं कोई और न मर जाए। आप खुद ही पढ़ लीजिए, ये लेटर्स करीब 15 दिन पहले आना शुरू हुए। मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो फैक्ट्री के बाहर गेट पर एक सफेद रुमाल लटका देना। मैंने रुमाल नहीं लगाया, तो कुछ दिनों के बाद ये दूसरा लेटर आया। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम भी भुगतो, एक दो दिन में पता चल जाएगा। ये लेटर कल आया सब। लोग मरना शुरू हो गए हैं मगर तुम अभी तक पकड़े नहीं गए हो, मगर बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम सड़क पर आ जाओगे। मैं 2 दिन में फोन करूंगा। ये सब लेटर्स टाइप किए हुए सर, मगर कुछ ठीक से टाइप नहीं हुआ है, लगता है कोई पुराना टाइपराइटर है। इसी आदमी ने जहर मिलाया है साहब, इसी आदमी ने जहर मिलाया। मगर ये जहर मिला कहां पे रहा है? फैक्ट्री के बाहर, फैक्ट्री के अंदर? अरे कहां गए सब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? पता है ना, एक मिनट के लिए भी ये जगह खाली नहीं छोड़नी है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वो वहाँ टैंक के पास एक वर्कर गिर गया था, उसे देखने गए। सब चले गए थे? हाँ। देखो कुछ भी हो, इस जगह को छोड़कर कोई नहीं जाएगा, समझे? अब चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, बार टेम्पो तैयार खड़ा है, सारी बॉटल्स उसमें रखवाओ, अभी के अभी डिलीवरी करनी है, समझे? आपको पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है वो, ये सफेद रुमाल वगैरह गेट पे लटकाना बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये हो कौन सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? कोई नाम आपको ऐसे ही याद आ रहा हो, किसी से झगड़ा हुआ है वो आपका, कोई दुश्मन? मालूम नहीं कौन होगा वो। अभी तक तो 10-15 बॉटल्स में से जहर निकला है, आपकी तो हजारों बॉटल्स होंगी बाजार में, पता नहीं और कितने बॉटल्स में जहर मिलाया होगा उसने। अब क्या होगा? कई लोगों ने तो अपने घर पे भी लाके रखा होगा एप्पल जूस फ्रिज में, वो कभी भी निकाल के पी सकते। देखो एक काम करो, सब पेपर्स में छपवा दो, टीवी पे भी दे दो। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, अगर समझो कोई मरा नहीं तो मैं तो बिना बात के बर्बाद हो जाऊंगा, और ये खबर सुनने के बाद हमारा बनाया हुआ जूस कोई खरीदेगा भी नहीं। तो कम से कम फैक्ट्री में तो फोन करो, जूस का प्रोडक्शन बंद करो, और कहो हमारे वहाँ आने तक फैक्ट्री में से एक भी बॉटल बाहर नहीं जानी चाहिए। जल्दी फोन करो। हाँ अभी 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 डायल करता हूँ। हेलो चंदू, मैं बोल रहा हूँ, देखो फैक्ट्री से माल बाहर नहीं जाना चाहिए, सारी डिलीवरीज रोक दो, मैं वहां आने। सारे ट्रक्स जा चुके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.